हमारे सोनन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए सोनन न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नमस्कार, स्वानंद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चर्चा तो होगी। उल्लासनगर में 1.5 साल पहले हुए हादसे का मामला न्यायालयीन आदेशानुसार अब जाकर पुलिस में दर्ज हुआ है। 1.5 साल पहले सिंदरी सागर अपार्टमेंट के 4th मंजिल का स्लैब गिरकर एक व्यक्ति की मौत होने के कारण उल्लासनगर के थारवाणी बिल्डर्स के खिलाफ मध्यवर्ती पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। 4 नवंबर 2016 की शाम को उल्लासनगर के न्यू लिंक रोड और सपना गार्डन के समीप प्रख्यात बिल्डर हरदास थारवानी और अनिल थारवानी द्वारा बनाई गई सिंदरी सागर अपार्टमेंट का 4th मंजिल का स्लैब गिरा था, जिसका असर 1st मंजिल तक हुआ। इमारत ढहने की खबर मिलते ही उल्लासनगर महानगर पालिका के तत्कालीन आयुक्त राजेंद्र निम्बालकर और सहायक आयुक्त गणेश शिम्पी सहित पुलिस अधिकारी घटनास्थल पहुँच गए थे। उस समय अग्निशामक दल के मुस्तैदी कर्मचारियों के चलते फ्लैट में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया था, जबकि मलबे के नीचे आकर इस इमारत के फ्लैट नंबर 103 में रहने वाले मनोहर कामरिया की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी के चलते 1.5 साल बाद शंकर कामरिया की शिकायत और न्यायालय के आदेशानुसार मध्यवर्ती पुलिस ने थारवानी बिल्डर्स पर IPC धारा क्रमांक 304A, 420, 406, 425, 436, 468 और MRTP 5152 के तहत मामला दर्ज किया है। इसी बारे में दादा हरदास थारवानी की स्वानंद मीडिया से फोन पर बातचीत हुई। अभी ये मेजर है पुलिस चौकी पे इंक्वायरी में, तो 2 महीना पहले इसको इंक्वायरी कर ले, तो बाद में आप लोगों से बात करूंगा ना दादा। 93 में दिया दादा, 93 में। हाँ, 25 वर्ष दिया, 25 वर्ष, अभी 27 वर्ष हो गया उसको देखे दादा पोजिशन। फिर कोर्ट से दाखिल नहीं हुआ है, क्या है, कोई भी आदमी शिकायत लेकर कोर्ट जाता है तो कोर्ट ने ये मेजर दिया पुलिस को कि इंक्वायरी करो, पुलिस को इंक्वायरी करने तो बाद में मेरे से जो पूछनेगा मैं दे दूंगा ना, अभी मैं जो अच्छा नहीं लगता है दादा। मैं बता रहा हूँ 93 में दिया, 25 वर्ष का कोई गारंटी लेता है क्या दादा? अच्छा एक बात सुनो, आप ही रहते हो इस देश में, सबसे बड़ी बात क्या है कि पोजीशन देने के बाद जो जो लोग लेटर होल्डर्स हैं अंदर क्या क्या चेंजेस करते हैं वो तो हमको मालूम नहीं पड़ता है दादा। और हम जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो इंजीनियर डिजाइन देता है उस हिसाब से हम बिल्डिंग बनाते हैं, इतना वजन डालने का, इतना नील डालने का। और 25 वर्ष में अगर संजय टेरिस थोड़ा लीकेज हुआ तो इन लोगों ने वाइब्रेशन मशीन चलाया है। क्या चलाया है? वाटरप्रूफ करने के लिए वाइब्रेशन का मशीन चलाया है। तो उसमें अगर कुछ पूरा बिल्डिंग खराब, बिल्डिंग में कोई तकलीफ नहीं हुआ है, जो इन लोगों ने रिपेयरिंग करवाया उससे कुछ परेशानी पैदा हुई है, बाकी हमारा तरफ से कुछ नहीं हुआ है दादा। एक बात और, ये तुमको क्या बताया इंक्वायरी के बाद सब बताऊंगा दादा। मेरे नाम को कोई ढाप लगाना चाहते हैं दादा, मेरा नाम किधर भी दिखाओ, जो चाहिए नाम लेके जाओ, मेरा नाम किधर भी दिखाओ, मेरा बेटा है तो बेटा होना कोई गुनाह तो नहीं ना दादा, मगर कोई मेरे नाम को दबा लगाना चाहता है उससे मैं किसका नहीं जाप दूँ, क्यों दूँ? मेरे बेटे ने जो पोजीशन दिया है, बेटे ने, मेरा किधर भी सिग्नेचर नहीं है न को मेरा नामो निशान है, मेरा एक नाम भी किधर दिखाओ, जो चाहिए नाम लेके जाओ, बस जानबूझ के मेरे नाम को कंडम करना चाहते ना दादा। आप समझे नहीं, उनको मालूम है कि 25 वर्ष पहले पोजीशन दिया, 25 वर्ष पहले होता है क्या दादा? 25 तुम्हारा टाइम बता रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ, बात खत्म हो जाती है ना। एक ही शहर में पैदा हुआ है जो तुम आप लोगों की समाज की इज्जत आप उनका रखवाला करता है, उसको कैसा डैमेज करना वो बात है, बाकी कुछ बात थोड़ी है दादा। कि 25 वर्ष की कोई गारंटी कोई लेता है क्या? एक बात सुनो, कुदरत किसी इंसान को बच्चा देती है ना, वही माँ बाप होते हैं, 5 बजे पैदा करते हैं, एक तो 20 वर्ष में जाता है, कोई 50 वर्ष में जाता है, कोई 60 वर्ष में जाता है, और माँ बाप जिंदा रहते हैं। बस इसलिए सबको जो जो इंक्वायरी करने दो ना, हमको क्या तकलीफ है किसी देखो अभी कल्याण में जो हमारे साथ हुआ इसमें क्या हुआ, हमको कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं सर, जालसाजी थी ना दादा, तब भी हमने प्रेस वालों को कुछ बयान नहीं दिया था। तो जिसको जो इंक्वायरी करने दो ना दादा, गुनाहगार है तो अंदर जाएंगे, उसमें क्या तकलीफ है? हाँ अगर मैंने चोरी की है तो अंदर जाने में शर्म का ही का, चोर को अंदर जाना है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, कोर्ट में जाने, अभी अंदर की बात बताता हूँ, जाता है उसके बच्चे जाते हैं ना, उसके बच्चे नहीं कोई भी गए हैं, उसका भाई है, उसका परिवार का कोई नहीं गया है, भाई गया, उसके पास 2-3 भाई है, एक ही भाई गया है, बाकी कोई भाई नहीं गया है, तो उससे हमको क्या फर्क पड़ने वाला है दादा? अरे जिसके ऊपर वाले का हाथ रहता है तो कोई सैकड़ों हाथ भी कुछ नहीं कर सकते उसको दादा। तो अब देखने की बात यह है कि थारवानी बिल्डर्स इस मामले में बाइज्जत बरी होते हैं या फिर मनोहर कामरिया की मौत का जिम्मेदार होने की वजह से जेल की कालकोठरी में बंद होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्लासनगर।
हमारे सोनन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और देखिए सोनन न्यूज के वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर।